हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। तो ये स्पोर्ट्स का लेक्चर है और ये लेक्चर नंबर 3 है। ये लास्ट लेक्चर है करंट अफेयर्स का, स्पोर्ट्स का। इसके बाद एक लेक्चर है सिर्फ स्टैटिक के ऊपर, फिर हमारा स्पोर्ट्स का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस लास्ट लेक्चर को मिलाकर और इनिशियली जो पहली लेक्चर है उनको मिला के मैंने आपको इनफ करंट अफेयर्स दे दी है स्पोर्ट्स के ऊपर। यानी कि अगर क्वेश्चन कोई भी आता है करंट अफेयर्स के रिलेटेड स्पोर्ट्स के ऊपर, तो वो कोई चांस नहीं है कि आपको नहीं आता होगा, अगर आपने तीनों वीडियोस देखी हैं प्रॉपरली और इसके नोट्स बनाए हुए हैं। आप में से जो लोग नए हैं या पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि हम लोग क्विज कंडक्ट करवाते हैं शाम को टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आप विजिट कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन जो हम पिछली वीडियो से पूछते हैं आपको, एंड वो क्वेश्चन है विच क्रिकेटर वॉज नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ ICC ODI एंड टेस्ट टीम ऑफ द ईयर। आपके ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, केन विलियमसन या इयान मॉर्गन। अगर आपने ये पर्टिकुलर वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और उसके बाद इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है डैश इज द होस्ट ऑफ द फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के फोर्थ एडिशन को कौन होस्ट कर रहा है? एंड द आंसर इज हरियाणा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 30,000 का अमाउंट ट्रांसफर किया है खेलो इंडिया एथलीट्स के बैंक अकाउंट्स में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डैश हैज बीन साइंड एज द ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस चैनल पे दिखाई जाएंगी? एंड द आंसर इज स्टार स्पोर्ट्स। एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो गेम्स हैं इनको शेड्यूल किया गया है आफ्टर द टोक्यो ओलंपिक्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन अनाउंस्ड दैट 2022 का वर्ल्ड कप इज टू बी हेल्ड इन। जो फुटबॉल का 2022 का वर्ल्ड कप है वो कहाँ होना है? एंड द आंसर इज कतर। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है वो ये है कि द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट हैज बीन शेड्यूल्ड ऑन December 18th, विच इज ऑल्सो द कतर नेशनल डे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज अडॉप्टेड अ न्यू ब्रांडिंग एंड अ विजुअल आइडेंटिटी लोगो ऑन। बेसिकली हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसने नया एक ब्रांड लोगो निकाला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो किस डेट को निकाला गया है? एंड द आंसर इज 6 जुलाई 2020। आप ऊपर साइड पे लोगो भी देख सकते हैं, ये भी मैंने शेयर किया है यहाँ पे। बेसिकली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के 100 साल पूरे हो गए हैं एंड उसी की खुशी में उन्होंने एक नया लोगो निकाला है अपना, जो कि निकाला गया है 6 जुलाई 2020 में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ PV सिंधु एंड सुनील छत्री डैश प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ऑन 3rd July 2020 बाय रमेश पोखरियाल एंड किरण रिजिजू। कौन से प्रोग्राम लॉन्च किया गया था PV सिंधु और सुनील छत्री की प्रेजेंस में, और ये लॉन्च किया गया था बाय रमेश पोखरियाल एंड किरण रिजिजू। तो इसका नाम था फिट है तो हिट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंस्पायर किया जाए स्कूल के बच्चों को और उनको बताया जाए इम्पॉर्टेंस स्टे फिट रहने की, फिट रहने की इम्पॉर्टेंस इस पेंडेमिक सिचुएशन में, COVID-19 क्राइसिस में आपको अपने आप को कैसे फिट रखना है, वही इस चीज़ की इम्पॉर्टेंस थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हैज लॉन्च इट्स मोबाइल एप्लीकेशन डैश फॉर क्रिएटिंग अ ब्रिज विद द एथलीट्स। तो क्वेश्चन कह रहा है नाडा, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है ताकि ये अपने एथलीट्स के साथ जुड़ सकें। उस एप्लीकेशन का क्या नाम है? इस एप्लीकेशन का नाम है नाडा इंडिया। बेसिकली ये एप्लीकेशन 12 जनवरी को ही लॉन्च कर दी गई थी, बट ड्यू टू सम रीजंस इसका ऑफिशियल लॉन्च डिले होता गया एंड होता गया। अब फाइनली ये लॉन्च हो चुकी है ऑफिशियली। नाम क्या है? नाडा इंडिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन June 12th 2020 द फीफा रैंकिंग वॉज रिलीज्ड, इंडिया टीम रिटेन इट्स डैश। जून 12 को फीफा की रैंकिंग आई है जिसमें भारत का क्या रैंक आया है? तो इंडिया का रैंक है 108। पहले नंबर पे बेल्जियम है, दूसरे पे फ्रांस है और तीसरे पे ब्राज़ील है। और इस रैंकिंग में अगले, मेरे को लगता है 3-4 महीने में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले,
क्योंकि कोई भी फुटबॉल मैच नहीं होने वाले ड्यू टू कोविड क्राइसिस, तो ये अभी काफ़ी स्टैटिक रहने वाली है। 108 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन June 5th, 2020, द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कन्फर्म्ड दैट इंडिया विल होस्ट डैश वुमेन एशियन कप। भारत कौन सा वुमेन्स एशियन कप होस्ट करने वाला है? इसका आंसर है 2022। 2022 का वुमेन्स एशियन कप भारत होस्ट करने वाला है और ये पहली बार है सिंस 1979, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से पहली बार है जब भारत ये होस्ट करने वाला है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हॉकी इंडिया रिकमेंडेड इंडियन वुमेन टीम कैप्टन डैश फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। भारतीय वुमेन हॉकी टीम की कौन सी कैप्टन को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए रिकमेंड किया गया है? इसका आंसर है रानी रामपाल। रानी रामपाल के बारे में अगर हम बात करें तो वो अर्जुन अवार्ड जीते हैं 2016 में, पद्मश्री जीते हैं 2022 में एंड वो पहली भारतीय हैं जिन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का टाइटल भी मिला है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन May 2nd 2020 द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC अनाउंस द रैंकिंग ऑफ क्रिकेट टीम्स। अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग डैश रैंक टॉप, ICC की रैंकिंग आई है क्रिकेट की, उसमें टॉप किसने किया है? एंड द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, प्रॉब्ली लिखने में गलती हो गई है, यहाँ पे आना चाहिए था टेस्ट टीम। ठीक है, ये टेस्ट टीम की रैंकिंग है, ये ना हो कि आप ODI की रैंकिंग देखें और फिर बोलने लगे, क्योंकि ODI में इस समय टॉप कर रहा है इंग्लैंड, टेस्ट में है ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे और हमारी इंडिया है नंबर 3 पे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड चैंपियन PV सिंधु वॉज नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ द कैंपेन डैश। द कैंपेन वॉज लॉन्च बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो BWF है, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की थी जिसका ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने PV सिंधु को बनाया था। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उस कैंपेन का क्या नाम है, तो उस कैंपेन का नाम है I am बैडमिंटन और मिस सिंधु पहली भारतीय हैं जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। क्वेश्चन नंबर 12, द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया अनाउंस्ड दैट द 3rd एशियन यूथ गेम्स इज टू बी हेल्ड इन डैश November 2021। क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने अनाउंस की है 3rd एडिशन एशियन यूथ गेम्स का कौन से देश के लिए, कौन सा देश होस्ट करने वाला है एशियन यूथ गेम्स को, और इसका आंसर है चाइना। आपको याद रखना है कि नवंबर 2021 में होने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर 4 साल में एक बार होती है, तो एशियन यूथ गेम्स हर 4 साल में एक बार होती है और कौन कर रहा है इसको, चाइना कर रहा है 2021 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी FIFA हैज सिलेक्टेड इंडियन फुटबॉलर कैप्टन डैश अमंग 28 अदर स्टार्स फॉर इट्स कैंपेन। द कैंपेन इज टू कम्बैक COVID-19। बेसिकली एक कैंपेन शुरू की है FIFA ने फॉर कम्बैटिंग COVID-19, उसमें भारतीय कैप्टन को शामिल किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस भारतीय कैप्टन का नाम क्या है, आंसर है सुनील छत्री। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है कि कैंपेन का क्या नाम है, कैंपेन का नाम है पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। ये क्वेश्चंस आपसे क्विज में पूछे जाएंगे, इसलिए आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है इनको। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नेम्स हुम एज द प्लेयर ऑफ द ईयर। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इसका नाम रखा है आगे एज अ प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए, हॉकी का कौन है प्लेयर ऑफ द ईयर, और इसका आंसर है मनप्रीत सिंह। और मनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कैप्टन हैं हॉकी के, प्लस वो मिडफील्डर हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इस बार का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है, और आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारत को हराया था फाइनल्स में और ये बांग्लादेश का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो वो जीते हैं। ओके, तो इस वीडियो से इतना ही। टोटल 3 वीडियोस आ चुकी हैं अब आपके लिए स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स के ऊपर, आपने इन तीनों को ध्यान से पढ़ना है। मैंने पिछले पूरे 7-8 महीने की करंट अफेयर्स कवर कर दी है, तो एग्ज़ाम इनिशियली हम सोच रहे हैं कि जल्दी होगा, अगर जल्दी हो जाता है तो इतनी करंट अफेयर्स सफिशेंट रहेगी, लेकिन अगर हमें डिले दिखता है तो मैं एक और पार्ट शायद रिलीज कर दूं अगर स्पोर्ट्स होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड क्राइसिस की वजह से स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स इतने है ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो ही नहीं रहा है इस समय। बट इन केस कोई भी इवेंट होता है या कोई भी अपडेट आती है तो हम उसको शेयर करते रहेंगे हमारे YouTube चैनल पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे। तो इस वीडियो से इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।